Anubha ma'am writes about I had stone in my gallbladder detected last year 2 to 3 millimeter. गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपको निकालना है, पहली बात तो स्टोन हो क्यों रहे हैं आजकल इतना? किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन निकालते हैं क्या? गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं, बाकी तो छोड़ो, ये स्टोन हो क्यों रहा है इतना? कोई भी चीज सूख जाएगी तो क्या बन जाएगा? अगर चूना सूख जाएगा तो क्या बन जाएगा? पत्थर बन जाएगा ना, ड्राई बन जाएगा ना। तो अब मुझे आपके आसपास में पानी का सोर्स बताओ कहां पे है, नदी, तालाब, सरोवर, आसपास में आपके बचे? पहले हर जगह तालाब होते थे, अभी है तालाब? नहीं। तो पानी से दूर हो गया ना आपका शरीर, जल से दूर हो गया ना आपका शरीर। अच्छा, जमीन के नीचे कहां पानी? 20-50 feet to 5,000-10,000 feet, कितना दूर चला गया पानी? अगर इतना दूर पानी आपके शरीर से चला गया और पानी से आपका जीवन जुड़ा हुआ है बहुत, तो ऑब्वियसली आपके शरीर में थोड़ा कष्ट तो होगा और आपका शरीर जल्दी से ड्राई हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, आप कोई भी चीज अगर अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो उसको कॉम्पनसेशन करना पड़ता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है। अगर एसी में रहेंगे तो आपका शरीर ड्राई होता है कि नहीं होता? आपका शरीर ड्राई हो जाता है। अगर आप घबराएंगे तो आपका शरीर ड्राई होगा कि नहीं होगा? एंजाइटी में मुंह सूखता है, शरीर ड्राई हो जाता है, और गोलियां खाने से आपका शरीर क्या होता है? डिहाइड्रेट होता है, ड्राई होता है। तो कितनी गोलियां खाई होंगी आपने? सोचा अरे पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट है, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपने घर में देखो कितनी दवाइयां हैं, आप ड्रग एडिक्ट हो। तो कोई भी केमिकल अपने शरीर में डालेंगे तो वो डिहाइड्रेट करेगा आपके शरीर को। जब आपका शरीर सूखेगा, जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा तो आपके जीने के लिए बनाई नहीं गई थी, उसको तो आपने बदल दिया, तो आपका शरीर डिहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा? ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है आपने? ग्लोबल वार्मिंग में आपका शरीर डिहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर डिहाइड्रेट होगा तो चीजें आपके शरीर में सूखेंगी और वो स्टोन बन जाएगी। स्टोन तो नेचुरल फेनोमिना है जो शरीर फ्लश आउट कर देता है, शरीर इसे निकाल देता है, लेकिन आपने तो अपना डिटॉक्स भी कमजोर कर दिया। जब आपका शरीर ही डिहाइड्रेट हो रहा है तो सबसे पहला असर किस चीज पे पड़ेगा? आपका शरीर सफाई नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि ये पानी से सफाई करता है, तो डिटॉक्स ही कमजोर हो जाएगा आपके शरीर का। तब जाके आपके शरीर में यही स्टोन जो निकल जाने चाहिए थे, ये वहीं पड़े रहेंगे। तो क्या करना है? पहली बात, अगर आपके किचन का सिंक थोड़ा ब्लॉक हो जाता है तो क्या करते हैं? थोड़ा जोर लगाते हो, पाइप में जोर लगाते हो तो वो खुल जाता है। अपने शरीर के अंदर अगर अंदरूनी थोड़ा जोर लगाओगे तो निकल जाएगा। और अगर ये कुंभक आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आ जाओगे तो स्टोन होगा ही नहीं आपको, क्योंकि हमेशा थोड़ी बहुत भी चीजें जो आपके शरीर में होंगी वो बाहर फेंक जाएगी, हर निकल जाएगी। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। शरीर का अंदरूनी जोर जो है, अंदर जो जोर जोर लगाता अपना शरीर, वो कमजोर हो गया। बाहरी जोर भी नहीं लगा पा रहे हम, अंदरूनी जोर तो क्या लगाएंगे? तो कुंभक करेंगे तो स्टोन्स निकल जाएंगे। ये 2-3 मिलीमीटर के तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं, थोड़ी ज्यादा बड़े हो गए तो हमारे पास, हम आपको सजेस्ट भी कर देंगे कुछ प्रोडक्ट, कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं उससे निकल जाते हैं थोड़े बड़े। बहुत ज्यादा बड़े हैं तो निकलना शुरू करेंगे तो तकलीफ होगी, उसको ऑपरेट करा दें। लेकिन ऑपरेट कराने के बाद भी दोबारा स्टोन नहीं हो और ना आपके अंदर पड़ा रहे बल्कि निकलता जाए, इसके लिए तो आपको कुंभक करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं।